नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश राठौर। आज के इस खास कार्यक्रम दे दनादन में हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कौन कितने पानी में है और कौन कितनी अपनी ताकत बताने में लगा हुआ है। जी हाँ, ये सवाल बड़ा गंभीर है कि इस चुनाव में सबसे बड़ा चौंकाने वाला मामला यह है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जिस परंपरागत लोकसभा सीट छिंदवाड़ा से 3 दशक से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, उस परंपरागत सीट से उनके बेटे नकुलनाथ चुनाव मैदान में हैं। अभी तक नकुलनाथ कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में कभी सक्रिय नहीं रहते थे। ये बात सही है कि वे अपने पिता के चुनाव का काम जरूर देखते रहे, लेकिन इस बार कमलनाथ को वो सीट छोड़ना पड़ी क्योंकि वे अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए हैं और लोकसभा सीट से उनके बेटे के चुनाव लड़ने की इच्छा थी, इसलिए कमलनाथ ने अपने बेटे यानी युवराज नकुलनाथ को सत्ता सौंपने की तैयारी कर दी है। नकुलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव मैदान में हैं और उनकी ये पोजीशन है कि वो खुद अपने आप को एक नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कमलनाथ से इतर हटकर या यूं कहें कि मुख्यमंत्री के बेटे की छाप को अलावा वो एक युवा नेतृत्व के रूप में लोगों के बीच जिस अंदाज में बात करते हैं वो अंदाज निराला और देखने लायक होता है। आमतौर पर नेताओं के बेटे बेटी जब चुनाव लड़ते हैं तो वे जनता के सामने अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते, लेकिन दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, कैलाश विर्की के बेटे आकाश विर्की, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ, अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह, ऐसे तमाम नेताओं के पुत्र जिस तरीके से अपने अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हो गए हैं वो वाकई बड़ी बात है। और जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री का बेटा चुनाव मैदान में हो तो निश्चित तौर पे उसका फायदा मिलता ही है क्योंकि सभी लोग मुख्यमंत्री से जुड़ना चाहते हैं, सभी ये बताना चाहते हैं कि हम कमलनाथ के बेटे का प्रचार कर रहे हैं। वैसे भी छिंदवाड़ा जिले की राजनीति के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ की कांग्रेस कमलनाथ से शुरू होती है और कमलनाथ पर ही खत्म हो जाती है। उनका उस इलाके में इतना पुराना दबदबा है और विकास के मॉडल के रूप में छिंदवाड़ा का नाम लिया जाता रहा है। जिस तरह के राजनीतिक मैनेजमेंट के माहिर कमलनाथ हैं, कुछ उसी अंदाज में नकुलनाथ भी अपने आप में एक माहिर खिलाड़ी साबित होते हुए दिख रहे हैं। अभी तक बिजनेस संभाल रहे नकुलनाथ चुनाव में जो गुल खिला रहे हैं उससे देखकर लगता है कि एक छिंदवाड़ा को नया नेता मिल गया है और एक ऐसा नेता जो न केवल जनता से रूबरू हो रहा है बल्कि ये कहें कि उनको अपने परिवार के सदस्य के रूप में संबोधित करके मिल रहा है। इस तरह के व्यवहार की चर्चाएं आम जनता के दिलों पर छा जाती है। ये भी कहा जा रहा है कि नकुलनाथ ने चुनावी रणनीति खुद बनाई है और वे खुद एक एक कार्यकर्ताओं से भी वो बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने पिता को भी ये कह दिया है कि वे छिंदवाड़ा की चिंता ना करें, बाकी इलाकों में ज़्यादा समय ध्यान दें क्योंकि छिंदवाड़ा में मैं खुद अकेला काफ़ी हूँ। नकुलनाथ को देखकर ऐसा लगता है कि नई पीढ़ी के जो पढ़े लिखे नेता अब राजनीति में आ रहे हैं वो वाकई इस देश की किस्मत बदलने का जज्बा रखते हैं। आप देखते रहिए ghamasan.com पर दे दनादन कार्यक्रम। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।